कर दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न्स का समय अब आ चुका है और आप लोग असेसमेंट ईयर 2019-20 की रिटर्न्स की भरने की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं सी अनूप भाटिया आपके साथ ITR 1 से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ITR 1 कौन भर सकता है, ITR 1 भरते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो मैं इस डिस्कशन को करने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको ITR 1 से रिलेटेड जो भी मुख्य बिंदु हैं उनको एक बार समराइज कर पाऊं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह है कि ITR 1 भर कौन सकता है। मैंने यहाँ पर ITR 1 से रिलेटेड जो रिलेवेंट हिस्सा है और ITR 1 का प्यार से नाम सरकार ने ITR सहज रखा है, इसमें लिखा है, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। मैं इसका सीधा सा मतलब सर आपको बताना चाहता हूँ। ये कह रही है सरकार यहाँ पर कि यदि आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, यानी यदि आप एक निवासी करदाता हैं और आप एक नॉन रेजिडेंट नहीं हैं और आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं हैं और आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है, तभी आप सब ये ITR 1 भर सकते हैं। नहीं तो आपके लिए प्रोबेबली ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 जैसा भी केस होगा वो आपकी रिटर्न भरी जाएगी। सो ITR 1 भरने के लिए आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, आप इंडिया में रेजिडेंट होने चाहिए और ऑर्डिनरली रेजिडेंट होने चाहिए, और साथ के साथ आपकी टोटल इनकम साल की 50 लाख से ज्यादा ना हो, आपके पास केवल सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्स की इनकम होनी चाहिए, और एग्रीकल्चर इनकम यदि आपके पास में है तो वो ₹5,000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ITR 1 का जो प्रथम पार्ट है सर, पार्ट है जो आपसे जनरल इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका पैन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, आपका मोबाइल, ईमेल आईडी, जो भी एड्रेस है वो आप डालें, आप कौन सी सेक्शन के अंदर रिटर्न भर रहे हैं। यदि आप टाइम से रिटर्न भर रहे हैं तो आप 139(1) भरें, यदि आप बिलेटेड भर रहे हैं तो 139(4) अथवा 139(5) या जो भी, अगर आप कंडोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट में भर रहे हैं तो 119 में रिटर्न भरें। और आप साथ के साथ इस पर्टिकुलर रिटर्न को किस सेक्शन में भर रहे हैं, वो रिटर्न को यदि आप रिवाइज रिटर्न भर रहे हैं तो आप अपनी पिछली रिटर्न की डिटेल भी यहां पर दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है वो क्या है दोस्तों, कि आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरना पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, PSU सर्वेंट हैं, आप पेंशनर हैं या आप अदर हैं। तो ये जो पेंशनर कैटेगरी है सर, ये ITR 1 में असेसमेंट ईयर 19-20 से स्पष्ट रूप से जोड़ी गई है। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा सर कि ITR 1 मुख्य रूप से जो सैलरी क्लास है, जो वेतन भोगी वर्ग है, उनके लिए बनाई गई है और ये बहुत ही सरल फॉर्म है सर। लेकिन सैलरी में सरकार ने इस साल रिपोर्टिंग के कुछ फॉर्मेट्स नए कर दिए हैं जो कि फॉर्म 16 के साथ अलाइन किए जाएं तो इस प्रकार से हैं कि आपको सबसे पहले अपनी ग्रॉस सैलरी बतानी है इस ITR 1 में, फिर आपको उसकी परक्विजिट्स की वैल्यू यदि आपको कोई मिली है वो बतानी है, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी यदि कोई मिली है तो बतानी है। तो यानी आपको सबसे पहले ग्रॉस सैलरी बतानी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे सब मिला के 10 लाख मिले, जिसमें अलाउंस भी आ गए, परक्विजिट्स भी आ गए, तो सबसे पहले मुझे 10 लाख रुपए की सैलरी परक्विजिट्स की वैल्यू के साथ में लिख देनी है। अब यदि मैं कहता हूं कि नहीं साहब, मुझे HRA का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, मुझे कोई लीव एंकैशमेंट का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, मुझे कोई ग्रेच्युटी का एग्जम्पशन मिलना चाहिए, तो उन्हें मुझे स्पष्ट रूप से यहां पर सर मैं आपको बताता हूं कि लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, यहां पर आपको उनको बताना है। तो यहां आप स्पष्ट रूप से बता देंगे। इसके बाद में सर आपके पास में नेट सैलरी निकल करके आएगी। इस नेट सैलरी को बताने के बाद में आप 3 डिडक्शन ले पाएंगे सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स, जैसा आपके लिए केस एप्लीकेबल है। नेट इनकम सैलरी की आपकी यहां पर निकल करके आएगी और इस नेट इनकम को बताने के बाद में आपकी सैलरी की इनकम फाइनली कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम भी यहां पर यदि कोई है तो बतानी पड़ेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेट आउट में और डीम लेट आउट, इन 3 कैटेगरी में बांटा है। ये डीम लेट आउट क्या है सर, जरा इस पर मैं आपके थोड़ी सी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास 2 मकान है, एक मकान मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलता हूं,
दूसरा मेरा खाली पड़ा है तो सरकार उसे डीम्ड लेट आउट मकान मानती है। तो यहाँ सरकार मेरे से चाहती है कि यदि मेरा कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है और मैं उसे वास्तव में किराए पर नहीं दे करके खड़ा हूँ तो मैं उसे डीम्ड लेट आउट बोलते हुए दिखाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे उस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू, उससे रिलेटेड लोकल टैक्सेस और जो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन या 30% का डिडक्शन मैं क्लेम करना चाहता हूँ वो क्लेम करके सर नेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी बतानी है। और लास्ट में दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की भी चर्चा सरकार ने करी है कि आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि जनरली इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, यदि कोई फैमिली पेंशनर है तो उसकी फैमिली पेंशन हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है, तो वो सर यहाँ पर बता करके फाइनल एसेसी अपनी यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम बताएगा। तो ये जो पार्ट बी मैंने आपके साथ डिस्कस किया सर, ये ITR 1 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें दी गई आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी रिटर्न की प्रोसेसिंग में मददगार होगी। ये जो पार्ट सी है सर, ये पार्ट सी आपके डिडक्शंस का पोर्शन है। यहाँ पर आपको बताना है कि आप 80C में, 80D में, 80G में, 80GGA, TTA या TTB, जैसा भी आपके लिए एप्लीकेबल डिडक्शन होता है, वो आप कौन सा डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो डिडक्शन यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एक बात सर जो मैं यहाँ पर आपके प्रकाश में लाना चाहता हूँ वो ये है, यदि आपने 80G में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो सरकार ने अब ये प्रावधान कर दिया ठीक है कि अगर आप 2000 रुपए से ऊपर का कंट्रीब्यूशन नकद में करते हैं किसी ऐसी संस्था को जो 80G में अप्रूव्ड है तो उसका आपको 80G में डोनेशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां जब आप 80G की रिपोर्टिंग करेंगे तो आपसे ये मांगा जाएगा कि क्या आपने कैश में वो पर्टिकुलर डोनेशन दिया है या नॉन कैश दिया है। तो इन सब डिडक्शंस को अल्टीमेटली मिला करके सर आपका जो ग्रॉस डिडक्शंस का अमाउंट है, टोटल डिडक्शन ये डिसाइड होगा। और फाइनली सर, जो ऊपर हमने ग्रॉस टोटल इनकम डिसाइड करी थी उनमें से सर ये पर्टिकुलर डिडक्शन माइनस करने के बाद में फाइनल आपकी टोटल इनकम यहां पर निकाल लीजिए। अब जो आपने सर टोटल इनकम कंप्यूट कर ली है पिछले पार्ट सी में, उस टोटल इनकम पर टैक्स निकालने का समय आ गया। तो ये टैक्स कैसे निकाला जाएगा सर? बड़ा सिंपल है कि यदि आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको टैक्स नील देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख से ऊपर आपको 10 लाख तक 20% देना है। और 20 लाख, अगर 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम चली गई तो आपको 30% रेट से टैक्स देना है। तो ये फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी जो निकलेगी सर, वो टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम में भर दी जाएगी। इस टैक्स पेबल में सर हम फाइनली अगर कोई रिबेट असेसी को मिलती है 87A की, रिबेट किसको मिलेगी सर? 3500 रुपए की रिबेट है। जिस व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है उस इंडिविजुअल को सर 3500 रुपए तक की रिबेट या एक्चुअल टैक्स अमाउंट विच एवर इज लो उतने का रिबेट मिलेगा। और ये रिबेट देने के बाद सर आपका फाइनल टैक्स आएगा, इसको सर बढ़ा दिया जाएगा 4% के एजुकेशन सेस और SHEC जो पहले 3 होता था सर, इसको 4 कर दिया है। यदि आपने कोई 89 की रिलीफ, जैसे आपको कोई एरियर वगैरह मिले हैं तो वो भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। और यदि आप पर कोई 234A, 234B, 234C इस तरीके का कोई ब्याज लगता है सर, तो वो ब्याज लग करके, और अगर आप रिटर्न बिलेटेड फाइल करेंगे तो आपको फीस भी देनी पड़ेगी सर 234F में, वो सब मिला करके आपका फाइनल टैक्स अमाउंट पेएबल या रिफंड इस पर्टिकुलर पार्ट डी के अंदर निकाल लिया जाएगा। अब ये पार्ट तो बहुत सरल है सर, हम सब जानते हैं कि हमारे को पार्ट ई में एक इन्फॉर्मेशन अपने बैंक खातों से रिलेटेड देनी है कि जो भी मेरे बैंक खाते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1, 2, 3, 4, और यदि मैं चाहता हूं कि इनमें से किसी पर्टिकुलर के अंदर ही रिफंड आए, यदि मुझे रिफंड ड्यू है तो वो मुझे क्लिक करना है और अकॉर्डिंगली ये मेरी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी सरकार के पास पहुंच जाएगी। यदि एसएससी ने कोई एडवांस टैक्स दिया है या सेल्फ असेसमेंट का भुगतान किया है तो आपके पास एक चालान की कॉपी होगी सर। उस चालान में आपको BSR कोड मिलेगा, आप वो यहाँ पर भरें, आपकी डेट ऑफ डिपॉजिट है वो यहाँ पर भरें, चालान का सीरियल नंबर यहाँ पर भरें, और यदि कोई टैक्स आपने जो अमाउंट पे करी है वो यहाँ पर भरें। दिस इज हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी फिल्ड इन टू दिस पर्टिकुलर ITR 1। अब नेचुरली सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सैलरीड पेड एम्प्लॉय की, तो उसका TDS कटा हो सकता है, तो उसके TDS से रिलेटेड, TCS से रिलेटेड यदि कोई डिटेल है, ऐसे ही मान लीजिए इंटरेस्ट पर TDS कटा है, तो उस तरीके की सारी डिटेल आपको इस शेड्यूल के अंदर सर भरनी है। सो दीज पर्टिकुलर डिटेल्स विल बी एनेबलिंग यू टू क्लेम द क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम यू। फाइनली सर, जैसा कि हर रिटर्न में होता है कि आप वेरिफिकेशन करेंगे कि मैं सो एंड सो सन और डॉटर ऑफ सो एंड सो डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट और कंप्लीट है इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान अनुसार,
और मैंने इंडिविजुअल की कैपेसिटी में ये पर्टिकुलर रिटर्न सो एंड सो डेट के ऊपर भर दिए। तो ये जो वेरिफिकेशन का पोर्शन है ये बढ़ते ही सर आपके रिटर्न इन ऑल टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो का कि आप ITR 1 कब नहीं भर सकते। तो सर ITR 1 तब नहीं भर सकते जब आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ये जैसा कि मैंने पहले पार्ट में लिखा। जब आप नॉन रेजिडेंट हैं, मैंने पहले भी आपको इशारा किया था, जब आपके पास में कैपिटल गेन की इनकम है सर तब भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ऊपर है सर आप ITR 1 नहीं भर सकते। यदि आपकी टोटल इनकम किसी प्रकार से 50 लाख से ज्यादा जा रही है आप ITR 1 नहीं भर सकते। यदि आपके पास में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, जैसे मान लीजिए मेरे पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो सर मैं ITR 1 नहीं भर सकता। यदि मैं कोई डबल टैक्सेशन की रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90, 91 भर रहा हूं तो भी सर मैं ITR 1 नहीं भर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की कि यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आपके पास में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हैं कोई होल्ड किए हुए किसी भी समय ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। ऐसी परिस्थिति में आपको ITR 2, ITR 3 का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। अगर आपके पास किसी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के रूप में कोई अकाउंट है और उसमें साइनिंग अथॉरिटी है आप ITR 1 नहीं भर सकते। और ऐसे ही सर यदि आपके पास में इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया है तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो एक तरीके से सर सरकार ने यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि कौन व्यक्ति ITR 1 नहीं भर सकते। हालांकि सर आज के समय में जब बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर की हेल्प से रिटर्न भरते हैं तो शायद सॉफ्टवेयर ही आपको ये सिलेक्ट करके बता देगा कि आपके केस में कौन सी ITR भरनी चाहिए। परंतु एज अ लेमैन किसी भी व्यक्ति को यदि ये जानना हो कि मुझे कौन सी ITR एप्लीकेबल है और क्या ITR 1 एप्लीकेबल है या नहीं है, तो ये स्लाइड सर निश्चित रूप से आपको उस प्रश्नों का आंसर लेने में काम में आएगी। अब सर इससे पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आप सबको ध्यान रखनी है। वो क्या कि यदि आप सैलरीड पेड एम्प्लॉय हैं और आपकी उम्र 80 साल अथवा उससे अधिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में नहीं हुई, यानी मैं कहना चाहता हूं आप विगत वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2018-19 में सुपर सीनियर सिटीजन नहीं थे, तो आप सर कुछ भी कर लें आपको ITR ऑनलाइन ही फाइल करनी पड़ेगी। पिछले साल तक 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम वाले व्यक्ति भी फिजिकल रिटर्न भर सकते थे यानी पेपर रिटर्न भर सकते थे। इस साल सर केवल 80 साल या उससे अधिक उम्र जिस व्यक्ति की थी गत वर्ष में यानी 18-19 में, केवल उसी को फिजिकल रिटर्न ITR 1 भरने का ऑप्शन है। बाकी सब व्यक्तियों को सर अब ऑनलाइन रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है और इसके थ्रू मैं कहना चाहता हूं कि आप कमर कस लीजिए सर, आपको अब ऑनलाइन रिटर्न मोर और लेस मेरे हिसाब से मोर देन 99% असेसीज 80 ईयर्स से कम एज के होंगे तो उनको सर अपनी रिटर्न अब ऑनलाइन भरनी है। अब सर ऑनलाइन रिटर्न भरने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, परंतु सर सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म ये जरूर हो सकता है कि यदि आप स्वयं अपनी रिटर्न भरना चाहें तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in, और वहां पर सर आप एक XML यूटिलिटी होगी ITR 1 की जो एक एक्सेल शीट के रूप में खुल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करें। जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी आगे की स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करी आप उन्हें भरिए और भरने के बाद में आप रिटर्न को वहां पर प्रोसेस के लिए करिए कि अच्छा मेरी XML जनरेट करिए। वो XML जैसे ही जनरेट होगी सर आपकी वो पर्टिकुलर रिटर्न वहां पर अपलोड करने के लिए उपलब्ध है और आप उस रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी सर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए भी ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सर कि आपको किसी प्लेटफॉर्म पर ही जाकर के रिटर्न भरनी है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाकर के भी रिटर्न भर सकते हैं। परंतु हाँ एक बात मैं अवश्य आपको सजेस्ट कर दूं सर, ये बात बिल्कुल पक्की है 100% क्लियर है, यदि आप किसी प्रोफेशनल के एडवाइस लेकर के रिटर्न भरते हैं तो आपको ऐसी रिटर्न में गलतियां रहने की संभावना और आपकी टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड इश्यूज का सही जो नाप तोल के साथ में एक प्रदर्शन है और आगे के लिए प्लानिंग है वो निश्चित रूप से की जा सकती है। तो मैं सर अपने आज के डिस्कशन को यहीं विराम करता हूं और फाइनली आप लोगों को करबद्ध रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं, मुझे सुनने के लिए, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सबका हार्दिक आभारी हूं। धन्यवाद।